न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। इंदौर में देर रात बापड़ चौराहे के पास हुए एक हादसे में बैंक के कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि उसी कार में सवार उसके 3 साथी घायल हो गए। रात में पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया है। बताया जाता है कि गाड़ी की गति तेज होने के कारण संतुलन बिगड़ गया और वो डिवाइडर से जा टकराए। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। विजयनगर पुलिस के मुताबिक घटना बापड़ चौराहे से मेघदूत इलाके के बीच की है। यहां हादसे में जितेंद्र 30 वर्ष पुत्र नरवत बगाना निवासी निपानिया की मौत हो गई, जबकि उसके साथी कुमुद पुत्र कामश्री नारायण निवासी शुभ लाभ रेजिडेंसी खजराना, नीरज पुत्र वल्लभ प्रसाद निवासी शुभ लाभ रेजिडेंसी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि कार कमलेश ठाकुर की थी। फिलहाल कमलेश को लेकर पुलिस के पास कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक सभी देर रात बाईपास पर खाना खाने निकले थे। वहीं पुलिस के मुताबिक वापस आते समय संभवतः यह हादसा हुआ है। दोस्तों से हादसे को लेकर जानकारी निकाली जा रही है। वहीं दोस्तों के मुताबिक जितेंद्र IDFC बैंक में काम करता था। वो मूल रूप से सीहोर का रहने वाला है। परिवार में 1.5 साल की बेटी और पत्नी निपानिया में किराए में रहते हैं, जबकि सीहोर में छोटा भाई और माता पिता रहते हैं। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।